हाय, आई एम डॉक्टर अंजलि हुडा सांगवान। आज मैं हेडेक्स के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी। हेडेक्स इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बहुत लोगों को बहुत ऑफन ये प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि वो हेडेक किस टाइप का है और उसको कैसे ट्रीट करना है। माइग्रेन, यूजुअली हेडेक को और माइग्रेन को सेम समझा जाता है, ऐसे नहीं होता है। हेडेक अलग चीज़ है और माइग्रेन इज़ अ टाइप ऑफ हेडेक। एक्चुअली हेडेक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कम से कम सिक्स टाइप्स ऑफ हेडेक्स आते हैं। अब उनकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हेडेक्स को डिफ्रेंशिएट करके उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होता है। और ट्रीटमेंट के अंदर भी मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, क्योंकि एवरी टाइप ऑफ हेडेक हैज़ टू बी डायग्नोज वेल बाय अ न्यूरोलॉजिस्ट और समवन एंड हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइकवाइज। सो लेट्स से आपका सब ठीक चल रहा है, आप सडनली आपको हेडेक हो गया। सो यू वांट टू नो कि व्हाट हैपेंड सडनली एंड मैं क्या करूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है कि वो ना माइग्रेन की दवाई खा रहे होते हैं इवन इन अ रेगुलर हेडेक, विच इज़ नॉट नीडेड। एंड यू नो मेडिकेशंस के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड पेन किलर्स पॉप इन करना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इफ़ यू नो योर रीज़न फॉर हेडेक, हम वैसे ट्रीट भी उसको आराम से कर सकते हैं। सो फर्स्ट इन समर टाइम आई थिंक बिगेस्ट इशू विद हेडेक्स इज़ बिकॉज पीपल आर नॉट हाइड्रेटिंग देमसेल्व्स। पानी काफ़ी कम पीते हैं, मुझे लगता है कि पानी आराम से मिलता है और आई डोंट नो हम भूल जाते हैं या काम में बिजी हो जाते हैं समहाउ, हम पानी या इक्वलेंट बेवरेजेस हम नहीं पी पाते हैं इतना। तो वो एक बहुत बड़ा कॉज है समर टाइम्स में डिहाइड्रेशन, जिसके कारण हेडेक्स बहुत कॉमन है। सेकंड, कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, जैसे आपने यू नो कोई ऐसी चीज़ खा ली, या फूड एलर्जी होती है, कोई ऐसी चीज़ खा ली तो एकदम हेडेक आ जाएगा। फिर आप कॉन्स्टेंटली सोचते हो कि क्या हो गया, एसिडिटी हो गई है, यू नो फिर कंकरेंटली बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलने लगती है। तो हेडेक्स को बिल्कुल ईज़िली ट्रीट कर सकते हो, जस्ट सिंपल आप एक पैरासीटामोल टाइप की टैबलेट खा लो और ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले आई थिंक सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझे हेडेक क्यों हो रहा है, और अगर ये बहुत कॉमन है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, क्या मैंने इसका चेकअप कराया है, और अगर मैंने चेकअप नहीं कराया तो क्या मेरा ये हेडेक सिर्फ पानी से या थोड़े से जैसे एक अंजीर खा लिया या एक डेट खा लिया उससे ठीक हो जाता है। तो यू विल नो कि ये हेडेक किस टाइप का है। इवन अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, अगर आप ऑलरेडी बीपी के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो जाता है, आपको फील होने लग जाएगा कि ओके मेरा सिर दर्द नहीं जा रहा है, मैंने बीपी चेक करा, मेरा बीपी हाई है और अब क्या है, मैंने या तो दवाई नहीं ली या मैंने दवाई कम ली या मैंने दवाई ठीक नहीं चल रही है, तो उसमें आप डॉक्टर को जाके कॉन्टैक्ट करिए और प्लीज़ पता करिए कि आप कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल है। फिर उसके बाद एक बड़ा कॉमन हेडेक का रीज़न है स्ट्रेस, टेंशन हेडेक्स। आप जो है स्ट्रेस लेते हैं या सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, बट इफ़ यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग, आई थिंक उसके लिए तो ट्रीटमेंट इवन पिल भी नहीं होता है। यू शुड जस्ट ब्रीद एंड लेट गो ऑफ द थॉट दैट हैज़ बीन इन योर माइंड। आई थिंक दैट वुड बी ईजिएस्ट थिंग टू डू। एंड उसके बाद एक तरह का हेडेक होता है जिसको कहते हैं क्लस्टर हेडेक, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है एक आँख के आसपास, और बहुत ज़्यादा आपको रनी नोज़ होगा, आँख में से पानी भी निकलता है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है, आप न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आप लिखवा लीजिए कि आपको जब भी ऐसे हो तो आप क्या करेंगे। फिर उसके बाद द हेडेक्स होते हैं फॉर वुमेन, आई थिंक द हेडेक्स आर वेरी कॉमन बिफोर द पीरियड्स। तो उसके लिए आपको एज आई ऑलवेज टेल पीपल, ईट गुड फूड। If you're not able to eat good food, then at least keep a simple paracetamol handy for the hormone headache. क्योंकि hormone headache अगर हर महीने आ रहा है तो maybe there is something that you're lacking, especially B vitamins, जो especially B6 for these premenstrual syndromes is very very beneficial for treating migraines. तो आप उसका उसका डोजेज डॉक्टर से आप लिखवाइए, पता करिए कि क्या आपके ऑप्शंस क्या हैं। फिर साइनसाइटिस वगैरह जो होता है उसके हेडेक्स है, एसोसिएटेड हेडेक्स है, दोज कैन बी क्योर्ड विद एंटीहिस्टामिन। फिर आपको
उस तरह की दवाई लेनी चाहिए। और फिर एक और काइंड ऑफ हेडेक होता है जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है रात को, स्लीप एपनिया है, आप रात को आप सुबह उठ रहे हो विद अ हैवी हेड बिकॉज आपको स्लीप एपनिया हो जाता है और रात को ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो सुबह यू आर वेरी टायर्ड। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि अगर आपका घर बहुत एयर टाइट है या वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से भी हेडेक्स बहुत कॉमन है। और आप अपने कार्बन मोनोऑक्साइड मीटर्स लगवा लीजिए घर में, उससे पता लग जाता है कि कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड घर में है। बट यूजुअली मैंने देखा है इंडियन होम्स अ वेरी वेल वेंटिलेटेड है, ऐसा कम ही होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मॉनिटर्स हैं वो लगाने दे वेरी चीप एंड दे वेरी हैंडी टू रीड कि आपका घर में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। सो बेसिकली अब मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है हेडेक्स का, और बहुत सारा सीरियस हेडेक्स आई एम नॉट डिस्कस्ड, आई एम नॉट गॉन इन टू यू नो ट्यूमर्स एंड ऑल दैट, बट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इफ यू नो आई कैन हेल्प यू फर्दर रिगार्डिंग द हेडेक्स, यू नो आप अपने क्वेश्चंस मुझे टाइप करके भेजिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज आई कैन। थैंक यू।